द टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। मैंने पिछली बार क्या करवाया था छोटे से मैं रिकॉल करा देता हूं। मैंने थर्मोकेमिकल इक्वेशन वह लिखना हमारा एम था। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का पहले मैंने एक प्रिमिटिव तरीका बताया और यह बताया दैट इट इज अ रिजेक्टेड मेथड, उसको क्यों रिजेक्ट करा वह सारे कारण भी बताए थे। फिर थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमने एक नई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी एंथैल्पी, और हमने उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझा था, उसके नोटेशन को भी समझा था, उसके एक्सप्रेशन को भी समझा था, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन हमने वह चीज समझी थी, और फाइनली लास्टली हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख दी थी। नाउ मैं उसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में और फर्दर एलाबोरेट में बताऊंगा, एंथैल्पी के बारे में और फर्दर एलाबोरेट में बताऊंगा। दिस इज द इनिशियल स्टेट और दिस आर द रिएक्टेंट। दिस इज द इनिशियल स्टेट, we may say they are the reactant, and some phenomena occurs, some reaction occurs, and we obtain the final state, that is the product. The total enthalpy of reactant, total enthalpy of reactant, its summation of HR and total enthalpy of product, I'll write it here, total enthalpy of product, its summation of HP. We used to say enthalpy change during the reaction. Enthalpy change during the reaction. Which we denote by delta H, its final enthalpy minus initial enthalpy, its total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant. We used to say the change in internal energy during the reaction. Internal energy change during the reaction. Internal energy change during the reaction, which we denoted by delta E. It would be total energy, internal energy of product minus total internal energy of reactant. अब मैं ऑलरेडी डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशनशिप बता चुका हूं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। This is for any physical or chemical process that may occur anywhere. This is for any physical or chemical process. This is the most
जनरलाइज्ड इक्वेशन, मैं पहले ही इस बात को लिख चुका हूं कि यह इक्वेशन तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वह प्रोसेस चाहे हमारे चारों तरफ हो रहा हो, चाहे हमसे काफी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर में हो रहा हो, चाहे हमसे काफी नीचे कहीं पर भी हो, यह एक इक्वेशन को लिखा जा सकता है. बट द कंडीशन इज फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस टेकिंग अराउंड अस विच आर आइसोबारिक विच टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन. For most chemical reaction occurring around us, at constant pressure, हमने इस equation को इस तरह से लिखा था. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. यह बात हमने लिखी थी. अब हमने हमारे पिछले लेक्चर में यह बात भी प्रूव कर दी थी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट ट्रांसफर्ड होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. हीट ट्रांसफर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज the change in enthalpy during the reaction. हमने यह बात कहा था कि डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी पी डेल्टा वी इज वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मीन्स किसी भी फिनोमेना के दौरान किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी वो इंक्रीज इन एंथैल्पी है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो वो डिक्रीज इन एंथैल्पी है. अब हम कहते हैं प्रेशर के साथ साथ यदि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रह जाए, प्रेशर के साथ साथ यदि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एस वेल, तो हम कहेंगे डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. पी डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू डेल्टा ई एंड दिस वुड बी हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. नाउ आई विल से हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर is change in enthalpy during the reaction. Heat transferred during any chemical reaction at constant pressure. Heat transferred during the reaction at constant pressure. We always denote it in this manner, delta Q, or either under script P rakha hua hai, iska matlab pressure is constant. Delta Q at constant pressure. This is always equal to change in enthalpy.
हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इधर डेल्टा क्यू और इधर मैं पी कॉमा वी कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम दिस इक्वल टू डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यह मैंने इधर कंक्लूड करा है. दे मे बी रिलेटेड इन दिस मैनर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा क्यू हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट पी वी प्लस पी डेल्टा वी. अब ये जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है लेट्स ट्राई टू विजुलाइज इट फिजिकली. हम इसको फिजिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. इसका फिजिकल विजुलाइजेशन समझो. फॉर एग्जाम्पल एक समय था जब प्रेशर कुकर की डिस्कवरी नहीं हुई थी और जब प्रेशर कुकर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब हमारे घरों में खाना बनता था ओपन वेसल में खुले बर्तनों में. और आज के समय प्रेशर कुकर की डिस्कवरी हो चुकी है. आज हम दाल चावल जो हमारे घर पे बनते हैं वो प्रेशर कुकर के अंदर बनते हैं. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट. द बेनिफिट इज कि जब प्रेशर कुकर नहीं था जब हमें ओपन वेसल में चावल और दाल बनाने होते थे तो चावल बनाने में एक एक घंटा लग जाता था. उस एक घंटे के दौरान हम ढेर सारा फ्यूल जलाते थे वेस्ट करते थे. ढेर सारा फ्यूल जलाकर ढेर सारी हीट देकर ढेर सारी एनर्जी देकर हम एक घंटे में चावल को बनाते थे. और आज के समय हम प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से उसी काम को वही चावल बनाने के लिए मुश्किल से 10 मिनट के अंदर थोड़ी सी हीट देकर थोड़ी सी एनर्जी देकर थोड़ा सा फ्यूल जलाकर हम वही काम को बड़ी जल्दी कर लेते. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकली. ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको फिजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से हम समझेंगे. न केवल पुराना हम अभी घरों में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं. हम एक वेसल में पानी लें एक बार या एक साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप तो दो आइडेंटिकल वेसल लीजिए और दो आइडेंटिकल वेसल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए. अब आप क्या कीजिए एक बर्तन को तो खुला रख दीजिए गैस के ऊपर आग जला दीजिए और दूसरे बर्तन को ढक दीजिए और गैस के ऊपर उसको भी जला दीजिए. Start heating them. Now observe the heating phenomena. What you will observe is कि the vessel which is open would take long time. Large amount of heat, large amount of energy, large amount of fuel to get heated up. While the vessel which is closed, which is at constant volume, that would get heated up very soon. In that heating phenomena, less time would be consumed, less fuel would be consumed, less energy would be consumed. अब इस बात को हम practically, ये जो हम observation कर रहे हैं, इसको हम mathematically इस इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं.
we used to say the vessel which is closed one in the pressure cooker, जो क्लोज वेसल है, जो प्रेशर कुकर है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. दिस हीट इज ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को ट्रांसफर कर हीट ट्रांसफर जब हम करेंगे या किसी भी प्रोसेस को करने के लिए जो हीट चाहिए, दैट हीट इज लेस. व्हाइल द वेसल व्हिच इज ओपन, इट्स केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. वहां पर जो फिनोमेना करा जा रहा है, जो प्रोसेस करा जा रहा है, वहां कांस्टेंट प्रेशर पर है. और कांस्टेंट प्रेशर पर इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेम फिनोमेना मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द हीट रिक्वायर्ड? इट्स पी डेल्टा वी. पी डेल्टा वी जब हम वेसल को ओपन कर देते हैं तो वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है और उस वॉल्यूम के इंक्रीज होने में कुछ वर्क होता है, पी डेल्टा भी होता है, और उस वर्क को करने में एडिशनल हीट रिक्वायर्ड होती है. दिस इज डिस्क्राइब्ड इन दिस इक्वेशन. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा ई इज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन एंड डेल्टा एच इज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन. हीट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन इज ऑलवेज मोर देन हीट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सेम प्रोसेस इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. द डिफरेंस इज पी डेल्टा वी. वंस अगेन, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है वहां पर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर आपको ज्यादा हीट लगेगी, मगर यदि वॉल्यूम कम हो रहा होगा, डेल्टा वी यदि नेगेटिव है, देन हीट रिक्वायर्ड वुड बी लेस. हम कहते हैं ये जो इक्वेशन लिखी है किसी भी रिएक्शन के लिए, अब इधर एक बात हमें और सोचना है, व्हाई डू वी हैव चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन? व्हाई डू वी हैव दिस डेल्टा वी? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम चेंज होता क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल्स. केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस मे बी प्रोड्यूस्ड, गैस मे बी कंज्यूम्ड. द नंबर ऑफ गैस मोल्स मे इंक्रीज, नंबर ऑफ गैस मोल्स मे डिक्रीज. व्हेन there is change in number of gas moles, the volume of the system would change. Dhyan rahe, solids and liquids occupy negligible volume. There would not be any appreciable or substantial change in volume due to the production of liquid or solid or the consumption of liquid or solid. लिक्विड या सॉलिड चाहे बने चाहे कंज्यूम हो, मगर उनके बढ़ने से, उनके बनने से या उनके कंज्यूम होने से कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, बिकॉज दे ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम. द वॉल्यूम जनरली चेंज ड्यू टू द चेंजिंग नंबर ऑफ गैस मोल. मैं इस बात को समझाता हूं. मैं एक और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं. सबसे पहले मैं एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखता हूं. ए मोल्स ऑफ ए इन गैस फेज प्लस B moles of B in gas phase, giving you C moles of C in gas phase and D moles of D in gas phase. During this reaction, delta H is the change in enthalpy and delta E is the change in internal energy. Up. First of all, observe that right now, I am dealing with a homogeneous केमिकल रिएक्शन. मैंने एक होमोजेनस केमिकल रिएक्शन लिखी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस केमिकल रिएक्शन? अ होमोजेनस केमिकल रिएक्शन मींस इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट एंड राइट नाउ द रिएक्शन इज इन होमोजेनस गैस फेज. दिस इज अ होमोजेनस गैस फेज रिएक्शन. अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन इस समय जो मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है?
when our A moles of gas A react with B moles of gas B in order to give you C moles of gas C and D moles of gas D. During this, the change in enthalpy during this reaction is delta H and change in internal energy during this reaction is delta E. Means if this reaction were carried at constant pressure, the heat transfer would be delta H, while if this reaction were carried at constant volume, the heat transfer would be delta E. This is the meaning of this representation. Ab, isme main delta H aur delta E ko relate karna chahta hu, P delta V ki jagah par main is reaction ke terms mein kuch likhna chahta hu. Ye aakhir change in volume hota kaise aur kyun hai? Dekhiye, main kehta hu A moles of gas A. For this, I can write universal gas equation. P into V equal to ART. PV equal to NRT. This would always hold for any gas. A is a gas and we are using A moles of gas A and the volume of gas A is V. P, which is constant pressure at which we are carrying the reaction. VA is the volume of gas A. A is the moles of gas A. R is universal gas constant, T is temperature. In the similar manner, I will write universal gas equation for gas B. P into VB equal to BRT. Similarly, I will write universal gas equation for C and D, the product. P into VC equal to CRT. P into VD equal to DRT. Ab, main change in volume determine karna cha raha hu. Change in volume determine karne ke liye mujhe initially reactant ka total volume bhi janna hoga. Aur finally, product ka bhi total volume likhna hoga. Reactant ka total volume samajhne ke liye main in dono equation ko add kar deta. In dono equation ko jab main add karunga, to P into VA plus VB is equal to A plus B into RT. Isi tarah se total product ka वॉल्यूम समझने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं. P into VC plus VD equal to C plus D into RT. Now what I do is I wish to determine P delta V. Mic please बंद कर दो. Mic delta V. P delta V. Delta V is the change in volume. Delta V is the change in volume. Change in volume is final total volume minus initial total volume. P delta V determine karne ke liye what I do is this equation minus this equation. P VC plus VD minus VA plus VB. This equation minus this equation. And I will get C plus D minus A plus B into RT. Now, this is P delta V. What is C plus D? C plus D is the total moles on product side, the total gas moles on product side. A plus B is the total gas moles on the reactant side. I will simply write P delta V is equal to this. P delta V is equal to P. This is P delta V is equal to delta N
into RT. Here I will say delta N is the difference in the coefficient of product and reactant. Product ka jo coefficient hai, C plus G, aur reactant ke jo coefficient hai, A plus B. In dono ka jo difference hai, that is this delta N. One can always write this P delta V is due to the changing number of gas moles. Yadi reactant mein gas ke moles kam hai aur product mein gas ke moles zyada hai, iska matlab reaction ke dauran gas ke moles badh rahe hain. Aur gas ke moles ke badh jane se wahan par volume badh raha hai. Aur volume ke badh jane se wahan par is heat transfer mein difference aa raha. We used to say the volume during any chemical reaction always change because the number of gas moles would change or it may change during the chemical reaction. Ab ek aur baat, ye to jo maine likha tha yaha ek homogeneous gas phase ke liye likha tha. Maan lijiye yadi koi reaction homogeneous gas phase nahi hai, jaise ki if I take liquid here, यदि इस जगह पर मैंने कोई liquid ले लिया है, now what would happen? खास बात, कोई सा भी एक reactant या कोई सा भी एक product यदि किसी भी दूसरे phase में हो गया gas ke alawa, to heterogeneous reaction kehlane lagti. Now this is a heterogeneous reaction. For such heterogeneous reaction, A ke liye to hum yahi equation likhenge. C aur D ke liye hum yahi equation likhenge, kyunki ye abhi bhi gas phase mein hai. B liquid ho gaya hai, yadi B liquid ho gaya hai, to B ke liye hum yah universal gas equation nahi likh sakte hai. हम B के लिए लिखी गई इस इक्वेशन को अब हटा देते हैं. Now, in that case, what we'll say for the volume of B? हम कहेंगे, since B is a liquid, it would occupy negligible volume as compared to gases present there. वहां पर जितनी गैसेस मौजूद हैं, जितनी गैसेस प्रेजेंट हैं, उनके मुकाबले इस लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है. देयर वुड नॉट बी एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू लिक्विड और सॉलिड. लिक्विड या सॉलिड की वजह से रिएक्शन के दौरान कोई खास वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता है, कोई खास वॉल्यूम में चेंज नहीं आता. वी विल इग्नोर the volume of B. इस equation में हम B का volume ignore कर देंगे. हम इधर delta V में V का कोई volume नहीं लिखेंगे, इधर से भी B हटा देंगे. अब ऐसी condition में इस equation को कैसा लिखा जाए? इस equation में अब हम डेल्टा एन लिखने के बजाय डेल्टा एन जी लिख देंगे. और हम क्या कहेंगे? दिस डेल्टा एन जी इज डिफरेंस इन द कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. इट्स डिफरेंस इन द कोएफिशिएंट of gas molecules. Delta NG is a difference in the coefficient of gas molecules. Gas molecules ke, liquid ke molecules ke coefficient nahi dekhna hai. Difference in coefficient of gas molecules.
And finally, I'll write the equation in this manner. For any reaction, I'll say delta H is equal to delta E plus delta NG RT. Or heat transferred at constant pressure is equal to heat transferred at constant volume plus delta NG into RT. Finally, this equation would be written in this manner. Now, मैं इसी समय इस डेल्टा एनजी को देखने का तरीका बताया तो जैसे मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं और इन रिएक्शंस के लिए ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल एच टू विच इज अ गैस प्लस आई टू विच इज अ गैस गिविंग यू ट्वाइस एच आई दिस आल्सो गैस. We used to say delta NG for this reaction, the difference in coefficient of gas molecules, 2 minus 1 plus 1, the value of delta NG for this reaction is 0. And for this reaction, we'll say delta H is equal to डेल्टा ई. इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर कहेंगे. चेंज इन एंथैल्पी वुड बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एक दूसरा केस बताता हूं. एन टू प्लस thrice S2 giving you twice ammonia. Now this is a reaction. Observe this reaction. Nitrogen is a gas. It combined with 3 moles of hydrogen. This is also a gas and give you 2 moles of ammonia. This is also a gas. For this reaction we'll say delta NG is the coefficient of product is 2 minus 1 plus 3 and this is equal to minus 2. The difference in coefficient of gas molecules here is minus 2. Is reaction ke liye hum kahenge delta H is equal to delta E minus 2 into RT. We'll write it like this. If we have this reaction, PCl5, this is a gas, giving you PCl3 plus Cl2. If this is a reaction, PCl5 giving you PCl3 plus Cl2. PCl5 bhi gas hai, PCl3 bhi gas hai, Cl2 bhi gas hai. Homogeneous gas hai. Is case mein hum kahenge the value of delta NG is product mein PCl3 ka coefficient 1, Cl2 ka coefficient 1 aur PCl5 ka coefficient 1. The delta NG value is plus 1. In this case we'll say delta H is equal to delta E plus RT. For example, observe this reaction. NH4HS, this is a solid, giving you ammonia, this is a gas,
and H2S. This is also a gas. Now observe this reaction. NH4HS reacts solid. On heating this solid, it gives you ammonia and H2S. Ammonia is a gas, H2S is a gas. इस reaction के लिए हम delta NG की value क्या कहेंगे? As I told you, while writing delta NG means difference in coefficient of gas molecules. Here we do not account coefficient of solid or liquid molecules. Solid या liquid molecules के coefficient को बिल्कुल भी account नहीं करेंगे. हम delta NG निकालते समय 1 plus 1 minus 0 कहेंगे. This one is the coefficient of ammonia. This one is the coefficient of H2S. While on reactant side we do not have any gas molecule, the coefficient of gas molecules would be taken as 0. Solid ke coefficient ko hume consider kabhi nahi karna hai. Aisa isliye keh rahe hain kyunki volume change mein sirf gases ka hi role hota hai, sirf gas ki wajah se hi volume change hota hai. Solid ya liquid ki wajah se koi volume change nahi hota hai. Aur idhar hum kahenge delta H is equal to delta E plus 2RT. The value of delta NG here would be 2. For example, H2 plus half O2. S2 is a gas, O2 is a gas, giving you S2O liquid. If this is a reaction, इस reaction के लिए हम delta NG की value कैसे लिखेंगे जा देखें. H2 hydrogen जो कि gas है, इसके coefficient को consider करेंगे. Oxygen, this is also a gas, इसके coefficient को consider करेंगे. जबकि H2O एक liquid है, इसके coefficient को consider हम नहीं करेंगे. हम कहेंगे the value of delta NG is, product में कोई gas है ही नहीं, तो 0 minus 1 plus 1 by 2 or minus 3 by 2. Here I will write delta H is equal to delta E minus 3 by 2 into RT.